हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं दोस्तों कि आप ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ये सेटिंग। और दोस्तों, अगर इस सेटिंग को आप देख लेंगे तो दोस्तों आप खुद सोचेंगे कि हमने कुछ इस वीडियो में जानकारी ली है, हमने टाइम वेस्ट नहीं की है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए यहाँ पर बताते हैं यहाँ पर सेटिंग कौन से। दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग जो है फेड इन और आउट की है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बटन दिख रहा होगा आपको फेड इन और आउट की। यहाँ पर देखिए आपको सफेद सफेद गोला दिख रहा होगा बॉल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है सेटिंग का यूज मेन जान लीजिए। जब भी दोस्तों हम क्या होता है, जब किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो सॉन्ग को टून बजाते समय हम जब स्टार्ट करते हैं तो आवाज़ बहुत तेज़ी से निकलती है, और जब इस आवाज़ को जब हम ट्यून को बंद करते हैं तब भी तेज़ी से ही बंद होती है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, इस सेटिंग को जानने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जब आप किसी म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं तो स्लो मोशन में स्टार्ट हो तो कितना अच्छा रहेगा, और जब भी बंद हो तो स्लो मोशन में बंद हो, जैसे मतलब बजते बजते स्लो मोशन में बंद होते चला जाए अगर गाना, तो उसका अलग ही लुक होता है। तो दोस्तों यही सेटिंग है, इसी के लिए सेटिंग है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए आप जैसे हम किसी के टोन को बजा रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर देखिए हम पहले नॉर्मल बजा रहे हैं, उसके बाद हम फेड इन और आउट का इसका जो है इस्तेमाल करेंगे प्रयोग करके तब बताएंगे। तो एक बार हम नॉर्मल बता रहे हैं कि ऐसे बजता है। देखिए नॉर्मल अगर हम बजाएंगे तो ऐसे बजेगा, तो दोस्तों देखिए नॉर्मल पे ऐसे बजा। लेकिन अगर हम इसको फेड इन या आउट का ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम टच करेंगे तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी, और यहाँ पर स्क्रीन पर देख दीजिए फेड इन ऑप्शन भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, अब हम बजा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, आवाज़ सिलो से बढ़ते 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 तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए यहाँ से सिलो में बढ़ रहा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलो में बढ़ रहा था, उसके बाद यहाँ पर बड़े तेज़ी में बढ़ रहा था, मतलब यहाँ पर आवाज़ तेज़ होने लगी थी। तो इसी का यूज होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में इसका भी यूज होता है, और उसको अंत में ही लास्ट में जब सॉन्ग को हम प्ले करते हैं बार जब बंद करते हैं तब भी इसका यूज होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बजाते बजाते हैं सॉन्ग को जाते जाते जब हमको बंद करना होता है तो बंद करने के कुछ सेकंड बाद पहले यानी 10 सेकंड पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, हम इस बटन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम अब बजाएंगे, बजाते स्टार्ट कर देंगे बजाने के बाद। अगर देखिए अगर बजाने के पहले अगर आप इसको दाबोगे ऑन करोगे इन कर बटन को आप दाबोगे तो ये स्टार्टिंग धीरे बजेगा, लास्ट में जो है तेज बजता है, बजता चला जाएगा। उसके बाद बजाओ चाहे इतना देर, और उसके बाद अगर इसको हम बजाते समय अगर इसको हम बटन को दबाते हैं फ्रेश करते हैं तब क्या होता है कि जब इस प्रेस को बटन जब भी इस बटन को प्रेस कर देंगे तो 10 सेकंड 5 सेकंड 5-6 सेकंड में ये आराम से स्लो होते होते बंद हो जाएगा सॉन्ग को। जैसे हम बजाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद दूसरे हाथ से हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम बजाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहली बार जब हम बजाए थे तो यहाँ पर पूरा फुल आवाज आता था, लेकिन इस बार हम इसको ऑन करके सेटिंग बजाएं, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस उम्मीद है इस वीडियो को आप समझ के होंगे कि फेड इन और आउट का क्या मैटर है, क्या बटन है। दोस्तों तो मैंने ऐसे ऐसी बहुत सारी सेटिंग के बटन की बताया हुआ हूँ और एकदम क्लियर अच्छे से, जो कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मैंने इसलिए एक वीडियो में बताया कोड मेमोरी का यूज क्या होता है, यहाँ पर सेंचुरो का सेटिंग जो है, यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप का क्या होता है, इन सारे बटन, यहाँ पर स्प्लिट मिक्स का बटन है, यहाँ पर इसका यूज क्या होता है, मतलब बहुत सारे हम सेटिंग बताए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल में जाके आप देखिएगा और अन्य वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए और कमेंट करिए अगर कुछ आपको दिक्कत हो। दोस्तों जाते जाते हम एक सॉन्ग आपको प्ले करके सुना रहे हैं। दोस्तों इस सॉन्ग को आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इस को किस सॉन्ग का ये म्यूजिक टोन था। दोस्तों तो देखिए कहाँ तक आपका नज़र लगता है, आप कितना कैच करते हैं, आप इस सॉन्ग को सुने हुए हैं या नहीं सुने हैं। तो जाते जाते इस सॉन्ग को सुनते जाइए।